नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर के आया हूँ मैं आपको सोनालिका कंपनी की ट्रैक्टर्स की पूरी सीरीज। तो सोनालिका कंपनी के जितने भी ट्रैक्टर्स हैं, चाहे वो 45 HP का है या फिर 50 HP का है या फिर 60 HP का है, सारे के सारे ट्रैक्टर्स की वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह की वीडियो आप आगे भी देखते रहो। सो आज का जो पहला वीडियो दोस्तों हमारा होने वाला है, वो होने वाला है सबसे ज़्यादा बिकने वाला, यानी कि एरिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वाला टॉप मॉडल जो आज का हमारा वीडियो वो होने वाला है, सोनालिका सिकंदर DI-50 का। सो आज के इस वीडियो में इस ट्रैक्टर के सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे, कंपनी हमें इस ट्रैक्टर में कौन कौन से फीचर हमें प्रोवाइड कर रही है, तो सारे के सारे फीचर्स को एक एक करके बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना। सो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों यहाँ से, अगर डिज़ाइन से अगर स्टार्ट करें तो पूरा का पूरा डिज़ाइन आपको यहाँ से इस तरीके से देखने को मिल जाता है पूरा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ उस ट्रैक्टर के टायर साइज के बारे में, तो जो पीछे के टायर्स हैं वो आपको 14-28 और जो आगे के टायर्स हैं वो 750 के ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको वही आपको यहाँ पे डिपर मिल जाते हैं जो काफ़ी अलग स्टाइल में, नई स्टाइल में यहाँ पे डिपर्स को डिज़ाइन किया गया है कंपनी ने, जो कि हमारी नई जनरेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे डिपर्स को डिज़ाइन किया गया। उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 52 HP कैटेगरी का यहाँ पे ट्रैक्टर है, हाई टॉर्क यानी कि 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसका ट्रैक्टर का है, और हाई पावर रेंज यानी कि 2000 रेटेड RPM पे ये ट्रैक्टर वर्क करता है। सिकंदर की ब्रांडिंग दे रखी है, पावर प्लस का भी यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। दोस्तों इसका जो डीजल टैंक है वो आपको 60 लीटर का मेटालिक डीजल टैंक मिल जाता है, जो कि मेटल की डीजल फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है देखने के लिए, 60 लीटर का आपको मिल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ हैवी ड्यूटी माइलेज, मतलब काफ़ी अच्छी माइलेज देने वाला, किसान के लिए सबसे किफ़ायती और सबसे कम तेल खाने वाला ट्रैक्टर ये है। यहाँ पे इंटरनेशनल की ब्रांडिंग दे रखी है। इसके बाद सोनालिका बोर्ड में लिखा हुआ ब्लैक कलर में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखोगे DI-50 की ब्रांडिंग दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे सिंकोमैस सीरीज यानी कि सिंकोमैस गियरबॉक्स आपको मिल जाता है, और DLX मॉडल है, मल्टी स्पीड गियरबॉक्स के साथ आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ट्रैक्टर के इंजन के बारे में, तो उसमें आपको 3-सिलेंडर 52 HP का इंजन मिल जाता है, जो अपनी मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 2000 रेटेड RPM पे। इस ट्रैक्टर का जो CC है वो 3036 CC का इंजन आपको मिल जाता है, और पूरा का पूरा जो इसका मैक्सिमम टॉर्क है वो 205 है, देख सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इस ट्रैक्टर पे ड्राइवर सीट पे बैठ कर देखते हैं कैसा कुछ हमें कंफर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप पकड़ के ड्राइवर सीट पे बैठ सकते हो। तो इस ट्रैक्टर के ड्राइवर सीट पे बैठ करके कुछ इस तरीके का लुक हमें दिखाई देता है। काफ़ी ऊंचा ट्रैक्टर है, तो आप अगर इसके ड्राइवर सीट पे बैठोगे तो ऐसा लगता है काफ़ी, मेरे ख्याल से इसका जो प्लेटफॉर्म है वो जनरल जो पहले के सोनालिका के मॉडल्स आते थे उसमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई को बढ़ा दिया गया है। तो इस तरीके से आपको पूरा डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर सबसे पहले अगर इसके पावर स्टीयरिंग को आप देखो तो पूरा छोटा और काफ़ी कार के जैसा स्टीयरिंग दे रखा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो साइड में आपको यहाँ पे सटल गियर दे रखा है, जो कि फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए आपको यूज़ कर सकते हैं 12+12 के साथ, और यहाँ पे नोव दे रखा है, इसको आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे आप पावर स्टीयरिंग है तो जल्दी से इसको ट्रैक्टर को टर्न करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रेस का लीवर दे रखा है। उसके बाद अगर मैं उसके डैशबोर्ड के बारे में बात करते हैं, तो उसका जो डैशबोर्ड है वो आपको सेमी डिजिटल डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, मतलब जो कुछ जो इंडिकेशन है वो आपको डिजिटल है और कुछ इंडिकेशन आपको एनालॉग देखने को मिल जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे बैटरी के लिए दे रखा है, फ्यूल मीटर हो गया, RPM हो गया, कितने घंटे चला हुआ वो दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इंजन ऑयल का प्रेशर हो गया, और कितने बैटरी हमारी कितना चार्ज है उसका परफॉर्मेंस। दोस्तों इधर साइड में देखोगे तो आपको बहुत सारे इंडिकेशन और भी रखे हैं, जैसे बैटरी हो गया, 4x4 हो गया, 10 इंडिकेटर हो गए, ठीक है। इधर भी आपको सेम पार्किंग ब्रेक हो गए, 540 इकोनॉमी स्टैंडर्ड का, बहुत सारी PTO का दे रखा है, हेडलाइट्स का दे रखा है, तो बहुत सारे इंडिकेशन आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ उस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म के बारे में, तो पूरा प्लेटफॉर्म इस तरीके से देख सकते हैं, और कितनी भी आपकी हाइट है आप कंफर्टेबली आराम से इसको ड्राइव कर सकते हैं। और जो मैं आपको बात कर रहा था प्लेट के बारे में, तो यहाँ पे हीट गार्ड लगा हुआ है। हीट गार्ड मतलब जो इंजन की गर्मी होती है वो नीचे से निकल जाती है, काफ़ी मोटी प्लेट यहाँ पे लगाई गई है ताकि गर्मी जो है कम से कम ड्राइवर के पैरों पे लगे। उसके बाद दोस्तों बात करें ट्रैक्टर के क्लच के बारे में, इसमें आपको डुअल क्लच दे रखी है, मतलब इसी वाले क्लच से आपके गियर्स ऑपरेट होते हैं, और इसी क्लच से आपका PTO ऑपरेट होता है। नीचे आपका स्टॉपर दे रखा है, यहाँ पे आपके पार्किंग लाइट हो गई, और ये सिग्नेचर लाइट के लिए यहाँ पे दे रखा है। इधर आपका हेडलाइट्स का पूरा सेटअप दे रखा है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ ट्रैक्टर के राइट साइड में क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4 और न्यूट्रल का यहाँ पे गियर दे रखा है, मेन गियर लीवर हो गया ये वाला। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर दे रखे हैं, इनसे आप अपनी जब आप कल्टीवेटर चलाते हैं, हैरो चलाते हैं, इनकी जो गहराई होती है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, गहराई और ऊंचाई को कितना रखना है यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका रेस का लीवर हो गया, और नीचे अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे सेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी लीवर यहाँ पे दे रखे हैं, अपनी सेंसिंग को अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो हाइड्रोलिक सेंसिंग को। आज के लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पे लो हाई मीडियम का लीवर दे रखा है,
तो यहाँ पे आपको लो हाई मीडियम थ्री स्पीड मिल जाती है देखने के लिए। और इधर आपको PTO का गियर दे रखा है। दोस्तों अगर बात करें इसके PTO के बारे में तो उसमें आपको 540 स्टैंडर्ड और 540 इकोनॉमी और रिवर्स PTO का ऑप्शन आपको मिल जाता है देखने के लिए। अगर इसके गियरबॉक्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको सिंक्रोमैक्स का गियरबॉक्स आपको मिल जाता है 12+12, मतलब इसके चार ये वाले और थ्री स्पीड ये वाले, यानी कि 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स के साथ आपको पूरा गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट साइड के बारे में और देखते हैं कैसा कुछ लुक हमें दिखाई देता है। तो फ्रंट से आप देखोगे तो पूरा डिजाइन आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करता हूं उसके एयर क्लीनर के बारे में, तो उसमें आपको वाइल्ड बाथ टाइप का थ्री स्टेज क्लीनिंग के साथ आपको एयर क्लीनर मिल जाता है, जो विद प्री क्लीनर के साथ आपको देखने को मिलता है। इसका जो मेंटेनेंस होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है ड्राई से, लेकिन फिर भी जो ट्रेडिशनल है वो अपना देखने को मिल जाता है। यहाँ पे क्रोम में बोल्ड कलर में आपको सोनालिका का पूरा ब्रांडिंग दे रखा है, और काफ़ी आगे उसके नीचे देखोगे तो जाली दे रखी है जो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा हवा ट्रैक्टर में जा सके और ट्रैक्टर जो है बिना गर्म हुए लंबे समय तक काम कर सके। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ उसके हेडलाइट्स के बारे में, तो जो हेडलाइट्स आप देख सकते हो यहाँ पे वो हैलोजन और LED दोनों का सेटअप दे रखा है, मतलब बीच में आपको H4 सीरीज़ का हैलोजन का बल्ब दे रखा है और उसके चारों तरफ आपको LED लगी हुई है जो दिन में भी जला सकते हो और ट्रैक्टर के बिल्कुल जस्ट पास का जो विजन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा देख सको ट्रैक्टर के आगे का, क्योंकि इसका जो ये वाला बल्ब है वो लॉन्ग विजिबिलिटी के लिए होता है। इसमें दो कट दे रखे होते हैं, लेकिन ये LED लगी हुई है, इनसे आप ट्रैक्टर के पहिए के बिल्कुल आगे का भी देख सकते हो। और आगे पूरा कंपनी फिटेड पूरा हैवी बम्पर दे रखा है आपके लिए, पूरा इसके डिज़ाइन इस तरीके से देखने को मिल जाता है। अब अगर देखोगे दूसरी साइड के बारे में, तो दूसरी साइड से ट्रैक्टर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है। वही आपको DI 50 का ब्रांडिंग दे रखा है और वही हेडलाइट सिल्वर कलर में आपको दे रखी है, इंटरनेशनल सोनालिका वही सेम आपको हैवी ड्यूटी सिकंदर बावर पूरा इस पर दे रखा है। उसके बाद दोस्तों बात करें इसके साइलेंसर के बारे में, तो आपको वही पतला सा और लंबा सा आपको साइलेंसर देखने को मिल जाता है हीट गार्ड के साथ में। यहाँ पे हीट गार्ड दे रखा है और यहाँ पे देखो अल्टरनेटर दे रखा है, डबल पंप दे रखी है, एक आपको सेपरेट पंप दे रखी है पावर स्टीयरिंग की और सेपरेट पंप आपको दे रखी है लिफ्टोमेटिक। इंजन ऑयल का फिल्टर हो गया, हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया। और शुरुआत से सोनालिका में दोस्तों जो बैटरी है वो आगे ही दे रखी है, तो बैटरी की प्लेसिंग आपको वही सेम जगह पे मिल जाती है बाहर की साइड में, और ट्रैक्टरों में आपको आगे मिलती है लेकिन यहाँ पे पहले से ही आगे बाहर दे रखी है, तो यहाँ पे सेम आपको बाहर देखने को मिल जाता है। तो अगर बात करें इसके पावर स्टीयरिंग के बारे में, तो इसमें आपको सिंगल सिलेंडर और सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाता है देखने के लिए, जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी पावर स्टीयरिंग होते हैं। और पूरा इसका अलग से सेपरेट पंप दे रखा है और यहाँ पे दोस्तों इसका डीजल फिल्टर दे रखा है। और उसके बात करें पंप के बारे में, तो इसमें आपको बोस कंपनी का इनलाइन पंप का सेटअप पूरा मिल जाता है देखने के लिए। दोस्तों पूरा लुक आपको इस साइड से इस तरीके से देखने को मिल जाता है, वही आपको नई डिज़ाइन में आपको डिपर पूरे चारों को चारों देखने को मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं ट्रैक्टर के पीछे के हिस्से पे और देखते हैं क्या कुछ फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में। तो यहाँ से अगर देखोगे तो पूरा का पीछे का हिस्सा आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। मडगार्ड तो आपको सेम वही ट्रेडिशनल जैसे जो मडगार्ड आते हैं सोनालिका के, वही मडगार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ये थोड़ी सी इसको ब्रॉड किया गया है, ये सिल्वर कलर में यहाँ पे फाइबर की पट्टी लगा दी है ताकि थोड़ा सा जो 16 के टायर्स भी आप इसमें लगा सको, 14 के टायर्स के साथ है वैसे, अगर आप चाहें तो ऑन डिमांड 16 के टायर्स भी इसमें लगवा सकते हैं। और यहाँ पे आपको वर्किंग लाइट दे रखी है और नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे लाइट दे रखी है अलग से, और मडगार्ड को सेफ्टी देने के लिए यहाँ पे बार लगा हुआ है जो एक रॉड लगी हुई है। कई बार अगर आपका ट्रैक्टर भगवान ना करे कभी ट्रैक्टर आपका गड्ढे वगैरह में पलट जाता है, तो ये जो स्टे बार दे रखा है ये आपके मडगार्ड को सुरक्षित रखता है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ ट्रैक्टर के PTO HP के बारे में, तो इस पर कितना HP का PTO मिलता है, इसमें आपको 45.86 HP का PTO मिल जाता है जो PTO पे निकाल के देता है। और इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है दोस्तों वो 2000 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको मिल जाती है, यानी कि 20 क्विंटल तक वजन ही उठा सकता है अपनी लिफ्ट से। काफ़ी हैवी आपको इसमें पटिया दे रखी है और काफ़ी हैवी इसमें जो पट्टे वगैरह है लिफ्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। स्टे बार दे रखा है, सेम आपको उधर भी दे रखा है। और बात करें आपको सेंसिंग के बारे में, तो 3-point सेंसिंग आपको मिल जाती है सॉफ्ट मिट्टी के लिए, हार्ड मिट्टी के लिए और मल्टीपर्पज़ के लिए। काफ़ी तगड़ी सेंसिंग इस सोनालिका की आपको देखने को मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर दे रखे हैं कंपनी फिटेड, क्योंकि 50 या 52 HP कैटेगरी में ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसके बिना हम लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। क्योंकि सबसे मेन चीज़ है हाइड्रोलिक इंप्लीमेंट, जैसे हम लोग कंप्यूटर माजा चलाते हैं या फिर हाइड्रोलिक ट्रॉली चलाते हैं या छोटा प्लाव चलाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप इसको अलग से लगवाओगे तो 15 से 20 हज़ार रुपये आपको खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन सोनालिका में इसमें आपको कंपनी फिटेड आपको दे रखे हैं। यहाँ पे ऑक्सिलरी लीवर दे रखा है, इसकी मदद से आप इनको ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों ये था सोनालिका DI 50 का पूरा वीडियो, आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर से बताना। और दोस्तों अगर आप इस ट्रैक्टर को खरीदना चाहते हैं, कितना इसका ऑन रोड प्राइस है, क्या कुछ इसके जो भी आपके सवालात हैं उनके बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डीलरशिप यहाँ पे बिसौली में यादव ट्रैक्टर्स करके डीलरशिप है, वहाँ पे आकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
आप उनसे बात भी कर सकते हैं और इस मॉडल के बारे में या सोनालिका की किसी भी मॉडल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्टर है, आप किसी भी मल्टीपर्पज़ के लिए आप ले सकते हो, चाहे आप कंप्यूटर माजे पर चलाओ, जुताई पर चलाओ, ट्रॉली पर चलाओ, किसी भी काम के लिए चला सकते हैं। बहुत ही हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर है। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।